हेलो एवरीवन वेलकम टू ओनली सक्सेस इस वीडियो में हम क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक का चैप्टर टेन द समन इट बनारस के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर डज शी गेट इट व्हाई नॉट कीसा गौतमी कहाँ गई थी घर घर जा रही थी जब उसके सन की डेथ हो गई थी और वो क्या मांग रही थी और तो इसका आंसर है कीसा गौतमी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ एंड एग्नी वैन हर ओनली सन डाइड उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा दुख में थी वो तो जब उसका इकलौता बेटा मारा गया था शी कैरीड हर सन्स डेड बॉडी इन हर आर्म्स एंड वेंट फ्रॉम हाउस टू तो हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन क्योर मतलब वो घर घर जा रही थी कि वो उसके बेटे को ठीक कर दे कोई दवाई दे दे बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था सिंस हर सन वॉज डेड इट वॉज तो इंट पॉसिबल फॉर एनी वन टू हिम टू गिव हर एनी मेडिसिन ब्रिंग द डेड पर्सन बैक टू लाइफ तो जो इंसान मर चुका है वो तो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है कीसा गौतमी अगेन गोज फ्राम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स टू बुद्धा वो बुद्धा के पास गई और फिर उसके बाद घर से घर जा रही थी वो डज शी आस्क फॉर सेकेंड टाइम अराउंड दूसरी बार वो क्या uh, मांग रही थी घर घर जा कर क्या उसको मिला और क्यों नहीं मिला तो गौतम बुद्ध आस्ट कीसा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड तो ऐसे घर में जाए वो जहाँ पे जिस घर में कभी किसी अपने की डेथ ना हुई हो शी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट वुडेंट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट मतलब वो ऐसे किसी भी घर में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे किसी के पेरेंट्स ना मरे हो किसी का भाई ना मरा हो किसी का बच्चा ना मरा हो तो so, ऐसा कोई या कोई फ्रेंड ना मरा हो तो ऐसा कोई घर नहीं मिला तो उसको समझ में आया कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है इसको मतलब जो यहाँ पर इस धरती पर आया है उसको तो एक ना एक दिन जाना ही है तो ये उसको फिर समझ में आ गया कीसा कि, गौतमी को वट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम वट वॉज वॉज दिस वर्ड द बुद्ध वॉन्टेड हाउ टू अंडरस्टैंड जो खीसा गौतमी पहली बार में नहीं समझ पाई थी उससे दूसरी बार में वो कैसे समझी क्या गौतम बुद्ध उसको यही समझाना चाहते थे वैन कीसा गौतमी फेल टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीट तो मस्टर्ड के दाने लाने को कहा था ना ऐसे घर थे जहाँ कोई मराना हो मतलब कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर पेरेंट है ना तो वो नहीं ला पाई ऐसा कोई घर उसको मिला ही नहीं जहाँ पे कोई बिलव जैसे वो लोग प्यार करते हैं वो ना मरा हो तो फिर वो असी परेशान होकर के थक करके हेल्पलेस होकर के हो रोड के किनारे बैठ गई वाइल्ड सिटिंग देयर शी ऑब्जर्व द फ्लिकरिंग एंड एक्स एक्सटेंगेशन ऑफ लाइट एंड फाइनली द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर तो उसने देखा कि लाइट जेल मिला रही है जो है दिए की लॉ हिल रही है फिर एकदम से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया दिस इंसिडेंट मेड हर रियलाइज दैट दैट हिज इन एविटेबल एंड शी वॉज बीग सेल्फिश इन ग्रीफ एंड अग्नि तो उसको लगा कि डेथ तो इन एविटेबल है कि जो आया है उसे तो जाना ही है और वो मतलब सब चीज़ों को रोक ही नहीं सकती है और वो मतलब बेकार ही मतलब इतना परेशान हो रही है या गुस्से में है शी अंडरस्टूड दैट इन दिस वैली ऑफ डिजोल्यूशन देर इज ऑलवेज अ पाथ दैट लीड्स मैन हु हैड सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस टू इमोर्टैलिटी तो मतलब एक रास्ता है जिससे हम अपने इन दुखों को दूर कर सकते हैं पाथ टू इमोर्टेलिटी मतलब uh, मॉर्टल होता है जो मॉर्टल बींग कौन होता है जो मर जाता है इमोर्टल जो मतलब सदा के लिए अमर हो जाए है ना तो यस यही ये बुद्धा उसे समझाना चाहते थे कि भाई कोई अमर नहीं आया है सब मॉडल बींग है सबको एक दिन जाना है तो हमें सही रस्ते पे मतलब अच्छे कर्म एक राइट टू राइटूअस पाथ पे एक सही बात पर चलना चाहिए सही कर्म करके जीवन जीना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टैंड डर द ओनली सेकेंड टाइम इन वॉट वे डिट द गौतम बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग तो ये कीसा गौतमी दूसरी बार में बात कैसे समझी और गौतम बुद्ध ने उसकी को किस तरीके से ये सारी चीज़ समझाई होगी फर्स्ट इंस्टेंट कीसा गौतमी कुड नॉट कुड ओनली सी हर ग्रीफ ऑफ लूजिंग हर यंग सन तो उसको पहले ही सिर्फ अपना ही दुख दिख रहा था कि उसका जो है जवान बेटा चला गया बट वेन शी वेंट ऑन फ्रॉम हाउस टू हाउस टू अनदर सेकेंड टाइम टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर सीट टू सेव अ डेडसन शी अंडरस्टूड दैट एवरी वन वॉज डीलिंग विद द लॉस ऑफ अ डियर वन तो उसको समझ में आया कि वो हर घर में जिसमें भी जाकर के खटखटा रही थी मस्टर्ड के दाने मांग रही थी तो हर घर में किसी ना किसी की मौत तो कभी ना कभी हुई ही थी नॉट अ सिंगल हाउस वॉज लेफ्ट अनटचड बाई डेथ कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो वेयर पीपल हैड नॉट लॉस देयर सन हजबेंड पेरेंट और फ्रेंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वन द पेन ऑफ डेथ एट लूजिंग देयर लव्ड वंस फीलिंग डिजेक्टेड शी सेट डाउन एंड रियलाइज दैट डेथ इज इन एंड फेट ऑफ मॉर्टल बींग्स इज टू लिव एंड डाई डाय उसको समझ में आ गया कि एक दिन सबको जाना ही है तो यही था बस सबके आंसर्स ऑलमोस्ट सेम सेम ही है हाउ डू यू यूजअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस मतलब अपने बारे में ही सोचना इस आइडिया को आप जनरली कैसे समझते हैं डू यू अग्री विद द कीसा गौतमी दै शी वॉज बींग सेल्फिश इन अ ग्रीफ क्या आपको लगता है कि कीसा गौतमी सेल्फिश हो गई थी सिर्फ अपने दुख में सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी तो इसका आंसर है सेल्फिश पर्सन इज वन हु इज एक्सट्रीमली प्री ऑक्यूपाइड अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है उसको सेल्फिश कहते हैं इट इज अटोरी कीसा गौतमी वॉज बिंग सेल्फिश इन अ ग्रीफ बिकॉज शी वॉज जस्ट थिंकिंग

द अल्टीमेट लेसन ऑफ लाइफ दैट ह्यूमन्स बींग आर मॉडल तो गौतम बुद्ध ने उसको एक मतलब मैसेज दिया समझाया कि जो ह्यूमन है वो तो एक ना एक दिन जाएंगे ही इट इज़ नेचुरल फॉर एवरी वन टू डाई कोई हर कोई मरेगा ही ऑल दो वी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आर लव डेथ इज़ इन एंड इज बाउंड टू हैपन हैपनो लेटर डेथ तो आनी है आज या कल तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे देख लिया हमने थैंक यू